सो गाइज, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अकाउंटिंग में कंप्यूटर का क्या रोल है, क्या महत्व है, क्यों करते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, मैनुअल अकाउंटिंग क्या होती है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होती है, दोनों में से कौन सी अच्छी है, कौन सी बोर है, किसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, लीगली आज के तारीख में कौन सी अकाउंटिंग को मान्यता है कि दोनों को भी है ना, अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को समझाऊंगा अकाउंटिंग में कंप्यूटर का क्या रोल है, क्या महत्व है, क्यों हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं रियल लाइफ में। बेटा कंप्यूटर के अंदर ही सारी अकाउंटिंग होती है, काफ़ी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अच्छे से ध्यान दे दो, है ना। तो सबसे पहले तो समझ लो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता क्या है। पहले हम लोग क्या करते थे, मैनुअल अकाउंटिंग करते थे। मुन्ना इधर ध्यान दे बेटा, राजेश करना बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। पहले हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बेसिकली क्या होती है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इधर ध्यान देना बेटा, जैसे प्लीज़ ध्यान देना बेटा, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपने सुना होगा, अकाउंटिंग पैकेज टैली। क्या होता है बेटा यहाँ पे, प्लीज़ ध्यान देना, जैसे बेटा इधर ध्यान दे दो, जैसे अगर मैं बात करूँ मैनुअल अकाउंटिंग की, है ना, जिसमें कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एंट्री पास करता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, एंट्री पास हो गई फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज इस एंट्री को पोस्ट करता हूँ कैश अकाउंट में और सेल अकाउंट में, कैश के डेबिट में टू सेल, सेल के क्रेडिट में बाय कैश, उसके बाद थर्ड स्टेज में इसकी बैलेंसिंग करता हूँ, 100 इसका बैलेंस आया डेबिट बैलेंस, इसका बैलेंस आया 100 क्रेडिट बैलेंस, यस और नो। बैलेंसिंग करने के बाद ए मुन्ना सब लोग साथ में क्या, फोर्थ स्टेज आती है, मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, कैश अकाउंट और सेल अकाउंट, कैश का डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है इसलिए बैलेंस इधर आया। किसी को यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या, तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस लिख दिए, ये टैली। और इसके बाद में लास्ट स्टेज में फाइनल अकाउंट बनाता हूँ, डायरेक्ट फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बरोबर है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। कुछ बात समझ आई क्या मुन्ना, सब लोग साथ में मैनुअल अकाउंटिंग में ऐसे ही कुछ करता हूँ बेटा मैं, बरोबर बोल रहा हूँ है कि नहीं। अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या होता है सुनना ज़रा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बड़ी मज़ेदार चीज़ है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में तुम्हारा फक्त आनी फक्त सिर्फ और सिर्फ क्या करना है मुन्ना, आपको सिर्फ ये एंट्री पास कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री पास कर दिया तो ये पोस्टिंग बैलेंसिंग ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट सबका सब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कर देता है। सर क्या बात कर रहे हो सर, सिर्फ एंट्री मारने का काम इंसान का है, बाकी सारा का सारा काम कंप्यूटर करता है। शून्य सेकंडात, कितनी सेकंड, 0 सेकंड में आपकी, सर क्या बात कर रहे हो, सारी स्टेज पोस्टिंग बैलेंसिंग ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट सब कंप्यूटर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बना लेता है। हाँ कुछ बात समझ आई क्या, बरोबर। हाँ बेटा, इस दुनिया में हजारों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, कितने कितने बताओ, हजारों, कितने बोलो, हजारों, क्विक बुक है, ओरेकल है, टेली है, बहुत सारे हैं,
बट हमें वो सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट और नाम भी नहीं पता करना है। मोस्ट मोस्ट कॉमनली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया टैली। कैसे? टैली, बोलो मेरे साथ साथ, टैली, TALLY, टैली, मोस्ट कॉमनली यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सर हम लोगों को भी आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनेंगे तो टैली के साथ रोज खेलना बैठना है क्या? हाँ रोज खेलना कूदना है। सर अगर हम CA नहीं बनते, हमने अकाउंटिंग की नौकरी किया तो भी टैली है क्या? हाँ सर, हमने ना नौकरी की ना धंधा किया ना कुछ, ना CA बने, हम लोग हमारा खुद का बिजनेस संभाल रहे तो भी अकाउंटिंग के लिए टैली है क्या? हाँ, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मतलब टैली। अब टैली में ERP 9 है, टैली में 6.4, 6.1, 6.2, 5.15, 5.2, 4. छोड़ दो ना, अपने को क्या लेन देन। टैली में बहुत सारे वर्जन है, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, आपल्याला त्याच्याशी काही घेन देन नाही, ना लेना ना देना, ओनली शिवसेना। यस और नो? एक बच्चे का बहुत प्यारा सवाल आप लोगों के भी मन में आ रहा होगा, सर टैली के क्लास करना जरूरी है क्या? सर एक फोबाड़ क्या तुम्हारी, सध्या काहीच करायचे नाही 12वी झाल्यापर्यंत, 12th खत्म होने तक कोई टैली बिली के क्लास करने का काम नहीं है। 12th खत्म होने के बाद समर वैकेशन में 800-1000 रुपये दे के कोई टैली सिखाता होगा तो सीख लेना, 2000 रुपये ज़्यादा में ज़्यादा। मेन तुमको टैली का क्लास करना पड़ेगा जब तुम प्रोफेशनली अकाउंटिंग का काम करोगे तब, उसके पहले तुमको टैली सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करेंगे तो आपको तो आपके जो बॉस रहेंगे आर्टिकलशिप जहाँ पे करोगे वही आपको टैली सिखा देगा फुकट में। कैसे? फुकट। क्लियर? सो टैली बिली का कोई क्लास करने का काम नहीं है। क्लियर? बोलता मैं सबको, सुनता कोई नहीं है, सबके माँ बाप के पास बहुत पैसा है, सब पैसा खर्चा कर देते हैं, हाँ माला टैली करायचा आहे, काय इस कामाचा नाही सध्या, बरोबर आहे? अभी टैली बिली करने का काम नहीं है। चलो चलू आगे आज। सो अच्छे से ध्यान देना बेटा। सो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या होता है? कंप्यूटर, देखो मैं आपका सस्ते में काम करता हूँ, आप जबरदस्ती महंगे में जाते हो, है ना समृद्धि? डायरेक्ट आगे का काम ये पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बन के तैयार, ये सब इतना काम कौन कर लेता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? भारत में मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है टैली। वैसे बहुत सारे हैं पर भारत में मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर टैली। क्लियर? सिंपल। आपल्याला काय करायचं आहे? फक्त आणि फक्त एंट्र्या मारायचे, सिर्फ एंट्र्या मारना है। आगे का मैन्युअल बताओ, मैन्युअल ज्यादा अच्छा है कंप्यूटराइज? बोलो बोलो बोलो, मैन्युअल ज्यादा अच्छा है या कंप्यूटराइज? मैन्युअल ज्यादा अच्छा है या कंप्यूटराइज? कंप्यूटराइज, कॉमन सेंस, दूध पीता बच्चा भी बोलेगा नॉन सेंस, कंप्यूटराइज ज्यादा अच्छा है, मैनुअल से कंप्यूटराइज बहुत ज्यादा अच्छा है। मैनुअल में कितनी फुकट की, बाप रे बाप, देखो धव धव है, धव 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 सब करते बैठो मैनुअल में, और ये कंप्यूटराइज के अंदर में सब एक का सेकेंड आज सब कुछ रेडी, बरोबर? वेरी गुड, मोस्ट ऑब्वियस आंसर, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज मच 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 बेटर देन द मैनुअल अकाउंटिंग। सो वी ऑल शुड गो फॉर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इन केस यू विल डू योर जॉब और यू विल डू योर ओन बिजनेस और यू विल डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स और कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, कहीं पे भी करो आप, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के साथ ही आपका पाला पड़ने वाला है। डन? चलो ये तो क्लियर हो गया। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कंप्यूटर अकाउंटिंग नहीं करता है, एंट्री आप मारते हो। आगे का मैकेनिकल काम है, पाट्या टाकने, मैकेनिकल वर्क, दिमाग लगाने का काम नहीं है, मेन दिमाग यही लगाना है। सर लेकिन हमने तो सुना था एंट्री एक क्लरिकल वर्क है, लेकिन अकाउंटिंग जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो आगे सॉफ्टवेयर करता है उससे भी ज़्यादा क्लरिकल वर्क है। तो मेन आपको जो सोचना है वो एंट्री में ही सोचना है। एंट्री सही तो आगे का कंप्यूटर सब सही कर लेगा, एंट्री गलत कर दी तो आगे का इसमें गलती हो जाएगी। दैट्स इट। क्लियर? पक्का? चलो आगे। डन। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, द यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अकाउंटिंग प्रोसेस हैव रिवोल्यूशनाइज
रिवॉल्यूशन हो गया इसके अंदर में. द मॉडर्न बिजनेस कॉन्सेप्ट दैट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग हैज बिकम क्विक एक्यूरेट. डिसीजन मेकिंग के लिए क्विक एक्यूरेट टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए, आसानी से चाहिए, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आपको जल्दी से इन्फॉर्मेशन देती है, जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन देती है. बरोबर है कि नहीं? इसीलिए इंट्रोडक्शन है बेटा जस्ट, इसीलिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जरूरी है, CAS कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोग्राम्स, जो कहना है कह लो. ये क्या करते हैं बेटा, ये डेटा को प्रोसेस करके जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन देते हैं. बरोबर है? आगे आ जाओ. एक काम का सेंटेंस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ कंपनी और फर्म प्रिपेयर इट्स रिपोर्ट एज पर गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. मतलब ये एक फॉर्मेट्स है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. इन्होंने तरीका दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का, वो तरीका भी टैली सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी फीड किया हुआ है, तो टैली उसी के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के बाहर फेंकेगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की काम नहीं. अच्छा, फीचर्स क्या क्या है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है. एक बच्चे ने बोला कि सर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती है, स्टॉक मेंटेन होता है, स्टॉक फिजिकली काउंट करते हैं, है ना. जब आप आर्टिकल शिप में मेरे यहाँ पे आओगे तो डेफिनेटली मैं आपको तब बताऊँगा. बरोबर है? यहाँ पे स्टॉक मेंटेन करते हैं टैली के अंदर में, उसे इन्वेंट्री कंट्रोल बोला जाता है. बट दुर्भाग्यवश वो आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, इसलिए छोड़ दो. एक बच्चे ने क्लोजिंग स्टॉक का बताया था. आ जा बेटा. इंटीग्रेटेड डेट इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन टू मेक यूजर फ्रेंडली ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड फॉर ऑल बिजनेस प्रोसेस. बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, यूजर फ्रेंडली ऑटोमेटेड एंड इंटीग्रेटेड फॉर ऑल बिजनेस प्रोसेसेस सच एज परचेज, सेल, फाइनेंस, इन्वेंट्री, पेरोल, मैन्युफैक्चरिंग. सर अभी इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है बताता हूँ क्या होता है. देख बेटा, जैसे प्लीज ध्यान दे, तूने शाम को माल बेचा है, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, 100 रुपये 100 रुपये, ये पहला काम हो गया. इसके बाद पोस्टिंग करेंगे तुम दूसरा काम, शाम के और सेल के अकाउंट में पोस्टिंग होगी, शाम के डेबिट में टू सेल. ए मुन्ना ध्यान दे इधर, इंटीग्रेटेड क्या होता है वो बता रहा हूं. बाय शाम, यस और नो, ध्यान देना. सो ये बेटा ध्यान दे दे. अब मान ले तूने यहाँ पे गलती से 100 की जगह 1000 लिख दिए, तो तुझे कितने जगह चेंज करना पड़ेगा? बरोबर है? यहाँ भी 1000 लिख दिए होंगे, यहाँ भी 1000 लिख दिए. चाहिए कितना था? 100, लिख दिया कितना? 1000. तो अगर तूने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बस यहीं पे एक जगह पे भी चेंज कर दिया, एक जीरो हटा दिया, तो अपने आप ऑटोमेटिक बाकी जगह का भी जीरो निकल जाएगा. इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड. मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम में डेटा में एक जगह चेंज कर दिया, तो इससे रिलेटेड जहां जहां डेटा है, इससे रिलेटेड जहां जहां डेटा है, इससे रिलेटेड जहां जहां डेटा है, सब जगह अपने आप चेंज हो जाता है. इसे कहते हैं कंप्यूटराइज, इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज और इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन. इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड. सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक्ड है. एक जगह भी चेंज कर दिया तो अपने आप जहां जहां पे वो एंट्री का इफेक्ट गया है फाइनल अकाउंट तक, सब जगह अपने आप चेंज हो जाएगा. फाइनल अकाउंट तक जहां जहां उस एंट्री का इफेक्ट गया है, सब जगह अपने आप चेंज हो जाएगा. इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन. बरोबर है? उसके बाद आगे एक्यूरेसी एंड स्पीड, कॉमन सेंस है. कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो एक्यूरेसी रहेगी, स्पीड रहेगी. इंफॉर्मेशन जल्दी मिलेगी क्विक डिसीजन लेने के लिए. MIS रिपोर्ट मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट. मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए रिपोर्ट्स चाहिए होती है, तो वो MIS रिपोर्ट्स भी कौन देगा? जल्दी से हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से मिल जाती है. जैसे कितने का कैश सेल हुआ, फट से एक रिपोर्ट. कितने का उधारी माल बेचा, एक रिपोर्ट. फटाक से P&L की रिपोर्ट मिल जाएगी, प्रॉफिट लॉस का, अपना बैलेंस शीट का मिल जाएगा स्टेटमेंट, ट्रेडिंग मिल जाएगा, कितना स्टॉक पड़ा है, आराम से कितना लेना है, शाम को कितना देना है, सारी रिपोर्ट क्विक 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 मिल जाएगी. यस और नो? मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड है. इट हेल्प्स टू सेव टाइम एंड रिकॉर्डिंग. इट हेल्प्स टू सेव टाइम इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन.
टाइम बचा लेता है, एक बार एंट्री मार दिया तो आगे पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है ना, बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट सब अपने आप बन जाएंगे। इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स, छोटे से पेन ड्राइव में पिछले 50 साल का डेटा भी ले जा सकते हैं क्या? लेकिन 50 साल की अकाउंटिंग मैनुअल बुक्स में किया तो उसके लिए एक ट्रक भर के आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। एक ट्रक जहाँ भी बुक्स लेके जा रहे हैं ट्रक पीछे पीछे आ रहा है, भैया वो ट्रक में क्या है? नहीं, हमारी अकाउंटिंग बुक्स है 50 साल की। समझ में आया क्या? लेकिन 50 साल का पूरा अकाउंटिंग एक छोटू से पेन ड्राइव में खट से जेब में डाल सकते हैं क्या? ऐसे इत्तू सा जो पेन ड्राइव है इसके अंदर में सारी 50 साल की अकाउंटिंग आ जाएगी। कितने से? इतने से पेन ड्राइव के अंदर में सारी आपकी 50 साल की अकाउंटिंग आ जाती है। देखो तो ज़रा, ये देखो, ये इतने से पेन ड्राइव में, इतने से पेन ड्राइव में सारी आपकी 50 साल की अकाउंटिंग। कुछ था इसमें ऐसा, पेन ड्राइव बंद खट जेब में डाल दिया, आ गई 50 साल की अकाउंटिंग। सो इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स एनी टाइम, सिक्योरिटी है। मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ताला लगा सकते हैं क्या? नो। इसको ताला लगा सकते हैं क्या? हाँ। ट्रांसपेरेंसी रहेगी? हाँ बिल्कुल रहेगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी के साथ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस के। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो हकीकत है वही बुक्स में है। सर यहाँ तो फ्रॉड भी होते होंगे? होते हैं, बट मैनुअल के कंपेरिजन में बहुत कम होते हैं। एंड ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स मैनुअली, जनरली ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। मैं जो ग्रुप बनाता हूँ ना, एसेट ड्रॉइंग डेटस एक्सपेंस लॉसेज लाइबिलिटी कैपिटल ग्रेटर इनकम गेन, एसेट ड्रॉइंग डेटस एक्सपेंस लॉसेज लाइबिलिटी कैपिटल ग्रेटर इनकम गेन, बस वो ग्रुपिंग ही है, उससे जल्दी हो जाती है, अकाउंटिंग अच्छे से होती है। ये थे फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। एक 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 हेडिंग ध्यान रखना है, बाकी दिमाग लगाने का काम नहीं है। कुछ चीज़ें समझ में आई आपको? यस और नो? पक्का? डन?